प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। झारखंड राज्य में लगातार नक्सली घटनाएं तेज हो रही हैं। नक्सलियों ने बिशुनपुर ब्लॉक के कुंजाम माइंस में बड़ा नक्सली हमला किया है। घने जंगलों से होता हुआ यह रास्ता बॉक्साइट माइंस की तरफ जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह झारखंड राज्य की सबसे बड़ी घटना है, जिसमें एक साथ 27 गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया है। बिशुनपुर ब्लॉक के कुंजाम माइंस में भाकपा माओवादी 40 से 50 की संख्या में पहुंचे थे। इस नक्सली हमले में तकरीबन 11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नक्सलियों ने यहां कई मजदूरों की पिटाई भी की और घटना के बाद माइंस में बॉक्साइट खनन कार्य बंद करा दिया। नक्सलियों ने यहां पोस्टर भी चिपकाए, इसमें जंगल उजाड़ने, पुलिस पिकेट बंद करने, प्रदूषण फैलाने सहित कई अन्य आरोप लगाए हैं। घटना के बाद मजदूरों में दहशत है। कितना गाड़ी लगभग जला है? 27। कितना का लागत से होगा लगभग गाड़ी की लागत? 10 करोड़। एक बार बताइए, जैसे वो लोग आए थे तो हथियार उन लोग के पास था? हम लोग को तो हथियार से ही लोग पकड़े हुए थे। कितने लोगों से मारपीट किया है? वही 5-6। आप लोग को बंधक भी बना के रखा था क्या? कौन सा हथियार था? बड़ा हथियार था क्या? हम लोग हथियार के बारे में नहीं, बड़ा हथियार था। हाँ, बड़ा बड़ा था। माइंस का लोडिंग और अनलोडिंग काम बंद कर दिया गया है। घटना के 12 घंटे बाद गुमला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। नक्सलियों ने सबसे पहले यहां पहुंचकर यहां काम कर रहे मजदूरों को बंधक बना लिया। कुछ मजदूरों के साथ मारपीट भी की और चेतावनी दी खनन कार्य को बंद कर दिया जाए। मैनेजर उत्तम गांगुली ने बताया कि कैसे इस घटना की उन्हें जानकारी मिली। रात को हमको करीब 7:30 बजे स्टाफ का फोन आया कि यहाँ पूरा आग जल रहा है। उसके बाद कुछ आदमी फिर जो है फ़ोन किया कि जो है मारपीट किया और सारे मशीन गाड़ी सब जला के, कैंप में जितना भी था सब जला के चले गए। फिर हमने दोबारा फ़ोन करने का कोशिश की, किसी का फ़ोन नहीं लगा। तो फिर हम सुबह आए। सुबह आने के बाद देखें कि हमारा टोटल मशीन गाड़ी घोड़ा मिला के टोटल 27 इक्विपमेंट हमारा पूरी तरह से जल चुका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान भी तेज कर दिया है। नक्सलियों ने न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मजदूरों के रहने वाले शेड में भी तोड़फोड़ की है। इस घटना के बाद मजदूर दहशत में हैं। यहां मौजूद अधिकारियों ने बताया कि माइंस अभी बंद है, आगे हिंडाल्को के अधिकारी फैसला लेंगे किसका संचालन किस तरह किया जाना है। नक्सलियों ने पेड़ पर एक पोस्टर भी साटकर चेतावनी दी है, जिसमें लिखा है कि खनन की वजह से जंगल उजड़ रहे हैं, पर्यावरण पर असर पड़ रहा है और यहाँ के स्थानीय लोगों को जरूरी सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। उनके अधिकारों का भी ध्यान नहीं रखा गया है। खनन कार्य बंद करो, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहाँ मौजूद पुलिस पिकेट को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। जमीन मालिकों को प्रति एकड़ 10 लाख रुपये देने की मांग की गई है। खनन के लिए मशीनों का नहीं, मजदूरों का इस्तेमाल करने की बात भी पोस्टर में लिखी गई है। इसके अलावा विस्थापित परिवारों को जमीन के बदले जमीन देने और मुआवजे में 10 लाख रुपए देने की बात भी लिखी गई है। मजदूरों को संबोधित करते हुए नक्सलियों ने पोस्टर में लिखा है कि जब तक हमारी पार्टी इजाजत नहीं देती, आप खनन कार्य नहीं करेंगे। गुमला से दुर्जय पासवान की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।